यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक इम्प्लॉय से संबंध ऑल इंडिया यूनिक बैंक स्टाफ फेडरेशन के आह्वान पर दिनांक 11 अक्टूबर 2023 को कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के समर्थन में एक दिवसीय सांकेतिक धरना कार्यक्रम। यूनियन बैंक में कुछ तय क्षेत्रीय आंचलीय कार्यालयों के समक्ष यूनियन प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। इसी क्रम में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आंचलीय कार्यालय विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। हमारी मुख्य मांगे जैसे कर्मचारियों के रिक्त पदों को न भरकर शेष बचे कर्मचारियों को डराया धमकाया जाना और बैंक की पॉलिसी के नाम पर स्टेशन से बाहर स्थानांतरण करने का प्रयास किया जाना, मानव संसाधन विभाग में जिम्मेदार अधिकारियों की बढ़ती मनमानी बंद न किया जाना, कर्मचारियों को देय धन को वापस करने में टालमटोल किया जाना, वर्षों से HKP के अस्थायी रिक्त पदों में कार्य कर रहे कैजुअल अस्थायी कर्मचारियों को पद में नियमित करने में टालमटोल एवं उनकी सेवा शर्तों को लागू करने में अनुचित सोच के साथ भेदभाव किया जाना सम्मिलित है। धरना प्रदर्शन में संगठन के पदाधिकारी कामरेड सुधाकर शुक्ला, कामरेड अभिषेक अवस्थी, कामरेड सौरभ सहगल, कामरेड सिराज दनिश आदि उपस्थित रहे। अध्यक्ष श्री UC शुक्ला, श्री राधे श्याम सिंह लखनऊ से, श्री श्रवण कुमार वाराणसी, श्री AK विश्वकर्मा, श्री अरविंद यादव आदि के नेतृत्व में धरना कार्यक्रम संपन्न हुआ। यूनियन बैंक एम्प्लॉयज का धरना प्रदर्शन है जो कि धरने में लोगों के कुछ मांगे हैं और क्या क्या मांगे हैं इसलिए लोग GM ऑफिस पे जोनल ऑफिस पे धरना प्रदर्शन किए हैं। जोनल ऑफिस पे ही इन लोगों का पूरा कई जिलों के ब्रांच के स्टाफ आए हुए हैं और अपनी अपनी समस्या को लेकर आए हुए हैं, उसका ये लोग धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। क्या मांग करना है जोनल ऑफिस से, जोनल ऑफिसर से क्या मांग करेंगे और जोनल ऑफिसर इनकी कितनी बातों को मानता है उन चीज़ बात के बारे में हम आपको बताएंगे। और आइए मैं ले चलता हूँ जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हुए हैं उनके मुख्य लीडर जो है मिश्रा जी, UC शुक्ला जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको इनसे मैं बात करता हूँ कि इनका धरना प्रदर्शन जो है ये किस तरह का धरना प्रदर्शन है और किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, आप हमको बताएं कि जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक्चुअली हमारा ऑल इंडिया लेवल का डिसीजन है जी, क्योंकि ऑल इंडिया में हमने डिसाइड किया, बहुत सारी चीज़ें हमने बैंक से मांगी लेकिन बैंकों ने उसके खिलाफ़ कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो हमारी यूनियन ने डिसाइड किया कि पूरे भारतवर्ष में जो चाहेंगे कि हमारे जो केंद्रीय कार्यालय हमारा ऑल ओवर इंडिया उसने ये धरना कार्यक्रम आयोजित किया है, उसके निर्देश में हम यहाँ पर बैठे हैं और ये हर जोनल ऑफिस में रखा जा रहा है। तो आप हमारी बातों को जो हम मेमोरेंडम दे करके जाएंगे कि हमारी कितने 10-12 सूत्री मांगे हैं उसको हम उनको सबमिट करेंगे और वो उसको केंद्रीय कार्यालय भेजेंगे ताकि केंद्रीय कार्यालय इससे अवगत हो कि हम क्या क्या चाह रहे हैं, किस वजह से हमने धरना किया। देखिए, आप लोगों ने देखा ये चीज़ कि अभी तक एनसीबी के जो मुख्य कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं यशी शुक्ला जी, इन्होंने जो बयान दिया है वो चीज़ आप यहाँ के जो कार्मिक विभाग है वो इतना भेदभाव करता है कि उसकी वजह से हमारी क्रिमिनल और LP है उसमें इतने ज़्यादा केसेस लगे हुए हैं। उसके द्वारा भी हम चाह रहे हैं कि हमारा सारा कार्यक्रम हो लेकिन जब वो नहीं हो पाता है तो हम बैंक कर्मचारी को अपने केंद्रीय कार्यालय को भी आगाह करना चाहते हैं कि ये खर्चे कम करने के लिए हमारी बातें सुनी जाएँ ताकि ये कार्यक्रम। तो इसके बाद आप क्या एक्शन क्या लेंगे, इसके बाद आप लोग GM से मिलेंगे या फिर ऐसे धरने पर ही बैठे रहेंगे। नहीं, इसके बाद शाम को हम GM तय किया है वहाँ पर धरना और ये प्रदर्शन किया जाए ताकि बैंक की आँख खुले और हमारा केंद्रीय कार्यालय हमारी मांगों पे विचार करने के लिए बाध्य हो। इसलिए आज ये वाराणसी अंचल पे है और लखनऊ अंचल में भी आज ये हो रहा है और वहाँ भी लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, वहाँ भी धरना हो रहा है और यहाँ भी धरना हो रहा है। इसमें जो मुख्य मांगे हैं उसमें एक तो कर्मचारियों की भर्ती है, क्योंकि कर्मचारियों की भर्ती इतनी कम हो गई है, लोग रिटायर होते जा रहे हैं लेकिन उनकी जगह भर्ती नहीं हो रही। 500 आदमियों की ज़रूरत होती तो 100 मांगता है, 100 में से 50 आते हैं और 50 में से 15 छोड़ के चले जाते हैं और अगले साल फिर वही 500 की जगह 100 आते हैं। ऐसे करते करते जिन जिन ब्रांचेस में 25-25 लोग थे आज वहाँ 3-3, 4-4 लोग काम कर रहे हैं और उन लोगों का जो बाकी बचे लोगों का काम था वो उन्हीं 4 कर्मचारियों के ऊपर लाद दिया गया है।
और वो जब काम में अगर छोटी सी भी गलती हो जाती है तो बैंक उनको एक मेमोरेंडम इशू कर देता है, और मेमोरेंडम इशू करने के अलावा उनको ऐसी ऐसी चीज़ें, कभी नौकरी से बाहर कर देता है, कभी उनकी तनख्वाहें कम कर देता है, कभी उनके जो पैसे हैं वो कम कर देता है, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो एक मांग हमारी मिश्रा जी हमको ये बताइए आपकी, जैसे क्या, सॉरी शुक्ला जी, हमको ये बताइए आपकी जो ये पावर है, ये अथॉरिटी है, क्या जोनल मैनेजर को ये अथॉरिटी दी गई है कि आप भर्ती कर सकते हैं लोगों को जो बैंक में है, जो कि मतलब संविदा काम कर रहे हैं, संविदा कर्मी हैं, पहले से पड़े हुए हैं, उनको अभी आपने परमानेंट डील किया, ये सब काम ये कर सकते हैं? यह सवाल है, जोनल आप मैनेजर को ये अधिकार नहीं वो भर्ती करे, लेकिन जोनल मैनेजर का ये अधिकार ज़रूर है कि यहाँ पर शाखाओं में कितनी कमी है उसकी सही सही रिपोर्ट अगर वो वहाँ नहीं भेजेगा, तो अगर हम खाली दिखाने के लिए कि हम इतने में काम चला ले रहे हैं, अगर वो ऐसे काम कर रहा है वहाँ पे भर्ती पूरी नहीं भेज रहा है, तो केंद्रीय कार्यालय क्यों उसको देगा? अगर यहाँ से कोई डिमांड ही नहीं जाएगी तो वहाँ से केंद्रीय कार्यालय उससे भी कम आदमी देता है, तो इनको भेजना तो इन्हीं को है कि हमको इतने आदमियों के बिना हमारा काम नहीं चल रहा है, इसलिए हम इनके खिलाफ़ दे रहे हैं कि आप यहाँ से कर्मचारियों की मांग करिए, यहाँ से डिमांड न जाने की वजह से वहाँ पे दबाव नहीं बन पाता है और इस वजह से केंद्रीय कार्यालय भर्ती नहीं करता। सर है। सर इनके खिलाफ देने से क्या मतलब? कार्यालय पे इनका धरना किस लिए चल रहा है? जो संविदा कर्मी है और जो बैंकों के कर्मचारी हैं जिनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, और जो संविदा कर्मी हैं उनको परमानेंट करने की भी मांग है इनकी, और भेदभाव भी दूर करने की मांग है, ये चीज़ ये GM से मिल करके आगे तक बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो इनको GM से मिलना है, अपना धरना प्रदर्शन ख़त्म करेंगे 5 बजे के बाद ये जाएंगे, या शाम को जाएंगे, जब भी इनको जाना हो ये जाएंगे और जा करके GM साहब से बात करेंगे, बात करने के बाद यहाँ के बैंकों के कर्मचारियों की समस्या और जो भी संविदा कर्मी हैं उनकी समस्या को ख़त्म करेंगे। आगे की रिपोर्ट पाने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल से। मैं मनोज सिंह, AKC लाइव न्यूज़ 18।